अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और आपका रमज़ान भी ठीक ठाक गुजरा होगा। आज है माशाल्लाह से 12वां रोज़ा और जोहर का टाइम था। मैं आई थी छत पे और सुबह से यही सीन चल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी हवा चल रही है, तो मैंने कहा छत पे जाकर देखती हूँ कैसा मौसम है। और बाहर ना वो दूर दूर तक धुंध नज़र आ रही थी, इस तरह लग रहा था जिस तरह जनवरी और फरवरी में मौसम नहीं होता उस तरह का। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी लाजमी किया करें। तो मैं जो इफ्तार की तैयारी है ना, मैं जोहर के बाद से शुरू कर देती हूँ। मैंने पढ़ी थी जोहर की नमाज़ और ये मूंग दाल मैंने भिगोई है ग्रीन वाली, मैंने कहा इसकी खिचड़ी बनाऊँगी, और ये चना दाल और मूँग दाल जो धुली हुई है ना, इसकी मैंने कहा मैं दाल बनाऊँगी। तो बस जल्दी से बनाते हैं, और आज सारा कुछ मैं ज़रा जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मुझे ना उस वक्त की बुक्स लेने भी जाना है, उसको 9th क्लास में प्रमोट हुई है, तो उसको जो है ना अभी बुक्स ला के देनी है। ऑयल डाला मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा, और ये ऑयल का कलर चेंज है क्योंकि ये वही पकौड़ों वाला ऑयल है। और जैसे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला ना दोबारा से, तो उसमें से फिर से छींटे उड़ना शुरू हो गई। ये पता नहीं शायद पेस्ट ही कुछ ऐसा है, नहीं तो पहले भी मैं इस्तेमाल करती रही हूँ तो छींटे नहीं उड़ते थे। तो जल्दी से मैंने जो है ना फिर इसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी और दराड़ मिर्च डाल दी। मसाला भूनते ही मैंने इसमें चना दाल और मूंग दाल जो थी ना वो डाल दी, और अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, और बाद में इसमें पानी डाल के ना मतलब जितना इसको गाढ़ा रखना है तो मैं जो है ना वेट लगवा लूँगी इसको 15 से 20 मिनट के लिए। जितनी देर में मैंने कहा दाल हो रही है, मैं चाट भी बना लेती हूँ। जो बूंदी को मैंने भिगोई हुई थी वो मैंने बाउल में डाल दी है, और ये जो आलू है ना इनको मैंने सुबह बॉईल किया था, तो अभी जो है ना इनको छील के तो मैं काट लूँगी बारीक बारीक। आज और कुछ भी बनाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो ये भी चाट बनाने का भी बिल्कुल दिल नहीं था, तो मैंने कहा फिर बताया वो जो बच्चे जो है ना फिर वो नाराज़ होते हैं कि आपने इफ्तार में कुछ बनाया नहीं, तो इसलिए मैंने कहा चले चाट बना लेती हूँ। चना चाट जो है ना वो वैसे भी हमारी मोस्ट फेवरेट है, मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा तो लाजमी बनाती बनाती हूँ। आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं तो आलू जो है ना मुझे ये ज़्यादा लग रहे थे, मैंने इसमें से जो है ना मैं 2-3 आलू जो है ना निकाल लूँगी और बाकी जो है ना उनको कट कर लूँगी। प्याज को भी हम छील के धो लेंगे, और ये प्याज पता नहीं किस तरह के आ रहे हैं, बहुत ही हार्ड से हैं। जो पहले प्याज आते होते थे ना वो बड़े मतलब उनका छिलका जो है ना बड़ा वो नरम सा होता था, तो अभी प्याजों को धो लूँगी और बारीक बारीक जो है ना कट कर लूँगी। जो आलू है ना उनमें से धुआं नहीं कर रहा था क्योंकि इनको छीलने से पहले मैंने ओवन में थोड़ी देर के लिए गर्म कर लिया था। जो ठंडे हो जाते हैं ना उनका छिलका नहीं सही उतरता और वो कट भी नहीं सही होते, तो इसीलिए इनको गर्म कर लिया था। और मैं कैमरे में देख रही हूँ मुसलसल उनमें से जो है ना धुआं नहीं कर रहा, और इनको ओवन में रखते हुए भी ना मुझे याद नहीं रहा कि मुझे 1 मिनट पर लगाना चाहिए था, और मैंने 4 मिनट पर लगा दी, वो काफ़ी ज़्यादा फिर गर्म हो गए थे। व्हाइट चने जो थे ना वो बॉयल हुए पड़े हुए थे, तो मैंने कहा वो भी थोड़े से डाल लेती हूँ। नज़ारे चना चाटा उसमें चने तो लाजमी होंगे, तो फिर मैंने कम ही डाले थे क्योंकि ये नहीं ज़्यादा खाए जाते। थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, और दही जो है ना उसमें मैंने पुदीना जो है ना वो मैंने ग्राइंड करके वो भी डाल के तो मिक्स करके रख दिया हुआ है, अभी वो भी इसमें शामिल कर लूँगी। दाल की जो सीटी है ना वो बोल रही है, क्योंकि हमारी जो अम्मी है ना वो बोलती होती थी कि सीटी बोल रही है, तो दाल की सीटी बोल रही थी। मैं प्रेशर कुकर मैंने उतारा
और इसमें मैंने रखा है पतीला छोटा, इसमें मैं जल्दी से खिचड़ी बना लूँगी। और खिचड़ी में वही मैंने ऑयल डाला है, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और जो मैंने ग्रीन मूंग की दाल जो है ना वो मैंने धोई हुई थी ना, नमक पहले डाला है, अब वो डाल दूँगी और इसकी ना 2-3 मिनट भुनाई कर लूँगी। दाल भुन गई थी और उसमें मैंने फिर चावलों की जो है ना डबल मेजरमेंट का पानी डाल दिया, मतलब 1.5 गिलास चावल थे तो मैंने फिर 3 गिलास पानी नहीं डाला, 2.5 गिलास पानी डाला। और जैसे ही पानी को बॉयल आया ना, मैंने चेक किया कि दाल मूंग जो है ना वो सॉफ्ट हो गई है, तो वो सॉफ्ट हो चुकी थी, फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए। अब जैसे ही पानी ड्राई होगा तो इसको लगा लेंगे हम दम। दाल भी बन गई है, अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल दिया है और सब्ज़ धनिया डाल दूंगी और दाल जो है ना वो तैयार हो गई है। दही में सिर्फ मैंने जो है ना ग्राइंड किया हुआ पुदीना डाला और कुछ भी नहीं डाला, इवन के मैंने पानी भी नहीं डाला, क्योंकि वो बाद में जो है ना फिर वो चाट जैसी भी हो ना वो फिर पानी छोड़ जाती है, तो कोशिश किया करें कि दही जब भी डाले ऐसे ही डाले। तो अब इसमें चाट मसाला डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इफ्तार मैंने बना ली थी और असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो है ना मैंने बताया था कि मैंने बुक्स लेने जाना है उस वक्त, क्योंकि आज भी वो गई थी तो बगैर बुक्स के स्कूल गई थी, आज उसका फर्स्ट डे था 9th क्लास में, तो मैंने कहा सुबह तो उसको लाजमी बुक लेके जाना चाहिए, और उसकी टीचर भी बोल रही थी कि बुक्स सुबह लाजमी ले कर आना। तो इधर तो बादल बने हुए थे, लेकिन जैसे ही हम सिटी में पहुँचे ना तो उधर काफ़ी धूप लगी हुई थी, कि ज़ाहिर असर के टाइम में भी धूप ही होती है। बुक शॉप पर इतना ज़्यादा रश था ना आज, ज़ाहिर 31 मार्च को जो है ना बहुत सारे स्कूलों में 31 मार्च को रिज़ल्ट अनाउंस होता है, तो सभी इधर बुक्स लेने आए हुए थे और मैं खड़ी होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि कोई काउंटर खाली हो तो मैं उधर फिर जाकर तो बुक्स लूँ। बुक्स लेने के बाद अभी जा रही हूँ घर, और इधर ना काफ़ी ज़्यादा रश था आजकल। वैसे भी इस टाइम जब भी आए हो ना मैं रमज़ान में, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है कि सभी लोग अपने घरों को जा रहे हैं इफ्तार को, तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है।
उधर धूप थी और जैसे ही अपने इलाके में एंटर हुए ना तो इधर फिर से बादल बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, जिस तरह आंधी वाली हवा नहीं होती उस तरह की, और मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि इफ्तार से मैं तकरीबन 3-4 मिनट पहले घर पहुंच गई थी, और अभी बस जल्दी से जो है ना रोज़ा खोला है और मैं खा रही हूँ दाल चावल। और बाहर ना आज बहुत ज़्यादा ठंड हो गई हुई, इसलिए मैंने जो है ना ये मोटी वाली चादर निकाल ली है और इधर ही करूँगी वीडियो का एंड। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।